भाजी इन दिनों स्कूल्स में एग्जाम्स चल रहे हैं. अच्छा, बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स परेशान रहते हैं, खासतौर पर माएं. वो क्यों? जॉइंट फैमिली में यही होता है कि मेरा बच्चा चाहे फेल हो जाए लेकिन देवरानी के बच्चे से 2 नंबर ज्यादा है. इस चक्कर में बच्चों को बड़ी टेंशन देते हैं. अच्छा, अब तो खैर सिस्टम बदल गया है, बच्चों को मार वार नहीं पड़ती. हमारे टाइम पे तो बहुत ज्यादा मार पड़ती थी, तभी हम डॉक्टर वगैरह नहीं बन पाए. सवाल भी बड़े अजीब अजीब आते थे. छोटे से बच्चे को पूछते बाबर भारत कब आया था. हम रात को जल्दी चरजाई लेके सो गए, हमें ये नहीं पता हमारे पिताजी रात को घर कब आए थे. आप इतने इतने बड़े सवाल पूछते हो बच्चों से. अच्छा, मुझे याद आया एक बार हमारे पाजी हैं, एक शमशेर पाजी. कुछ बच्चे जो होते हैं ना बड़ों की इंसल्ट बड़ी करते हैं. जैसे शमशेर पाजी को बच्चे ने पूछ लिया कॉन्वेंट स्कूल वाले ने, अंकल पोमग्रेनेट की स्पेलिंग बताओ. इनको समझ ना आया कि पोमग्रेनेट क्या होता है. अंकल पोमग्रेनेट की स्पेलिंग. कहते बेटे वो क्या मतलब. अंकल अनार. अच्छा अनार. बेटे ए एन आ की मात्रा र अनार. अंकल ये इंग्लिश में स्पेलिंग बताओ. कहते बेटे वो हिंदी में भी टेस्ट सेम ही होता है, कोई बात नहीं. अच्छा, कई बार ऐसा होता है आप याद कुछ करके जाते हो, आ कुछ जाता है. जैसे हमारे एक लाला जी हैं, वो ताजमहल पे ऐसे याद करके चले गए. उनको आ गया लाल किले पे. अब उनको समय ना आए करें क्या. उन्होंने शुरू फिर ऐसे किया, लाल किला एक ऐतिहासिक इमारत है, ये दिल्ली में पड़ती है, प्रधानमंत्री हर साल भाषण देते हैं यहाँ से, यहाँ से ठीक बाहर एक बस स्टैंड है, वहां से बसें आगरा को जाती हैं, और आगरा ताजमहल के लिए बड़ा मशहूर है. आगे सारा ताजमहल का चेप दिया. अच्छा, कुछ बच्चे जब फेल हो जाते हैं मम्मियां बड़ा सपोर्ट करती हैं. बाप मारा मम्मी भी जाती है, अरे अंधो क्या कर रहे हो, एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ है, आप भी तो शादी वाले दिन घोड़ी से गिर गए थे, आपसे शादी की है ना मैंने. अच्छा, आप एक बात नोट करना भाई, एग्जाम्स के टाइम पे बच्चे सडनली धार्मिक हो जाते हैं. हाँ. मंदिर हो गुरुद्वारा सब भगवान को याद करके आगे हाथ जोड़ के जाते हैं. ये अपना पांडे इंग्लिश के पेपर से पहले चर्च जाता था, कहता हो ना हो इंग्लिश में तो चर्च वाले बचाएंगे. अरे कुछ बच्चे एग्जाम वाले दिन 10 रुपए की दूध की थैली चढ़ा रहे होते हैं, भगवान 10वीं में पास करवा दे. भगवान बोलता है भी एक दिन दूध की थैली चढ़ा के तुम पास होना मांग रहे हो, इस हिसाब से पंडित का तो प्रधानमंत्री होना बनता है जो रोज पूजा कर रहा है. अच्छा, हमारे यहाँ पे जो दोस्त हैं, आपको लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिंदगी के इम्तिहान में से गुजर रहे हैं, कोई आपका एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो. जी भाई साहब. सत श्रीकाल कपिल सर. सत श्रीकाल सिद्धू पाजी. मैं चंडीगढ़ तो आया. अच्छा जी. जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था ना वो बहुत ही यूनिक था. क्या हुआ? जब मैं अपने हमसफर को चूज करने गया था तो मेरी होने वाली बीवी तो उन पर शब्द आपने इस्तेमाल किया हमसफर. तो ऐसा हुआ कि होने वाली बीवी पर कम नजर और मेरे जो मदर इन लॉ मेरी सासू माँ उन पर ज्यादा मेरी नजरें थी. जी हाँ. मैं देखे बड़े बड़े लाइन मारने वाले देखे, तेरे जैसा नहीं देखा. पर ऐसे क्यों, आपकी नजर उन पे क्यों थी? शी इज अ स्कूल प्रिंसिपल. अच्छा. तो तब मेरी परसेप्शन ऐसी नहीं थी, पर जब मैं गया अपने हमसफर को देखने के लिए तो ऐसे जैसे कि कोई जॉब इंटरव्यू हो रहा हो, ऐसे सवाल पूछ रही है जैसे कि मैंने जो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स दिए, मैं बैंक में काम करता हूँ, तो अच्छा वो नहीं मुझे इतना टफ लगा जितना मुझे मेरी सासू माँ का एकदम लगा. क्या पूछ रही थी? बीवी को खुश रखोगे, हनीमून पे कहाँ ले जाओगे, और कुछ ऐसे सवाल भी पूछ लिया. तो जो जो उनके साथ नहीं हुआ वो चाहती है ना कि बेटी के साथ ना हो. होता है ऐसे. तुम्हें क्या सवाल पूछ रही? अरे हद कर दी एकदम. पूछ लिया कि बच्चों के नाम क्या रखोगे. उनको बोलो देखिए आप जब बच्चों को एडमिशन देते हैं, हाँ जी, पहले छोटे टेस्ट होते हैं, फिर मंथली एग्जाम होते हैं, उसके बाद रिजल्ट आता है ना साल बाद. तो अभी कैसे हम सफर आपके साथ आई? नहीं अभी तो मैं. तो फिर हम सफर किस बात के हुए? हम सफर अभी चंडीगढ़ में है. उनको छुट्टी नहीं मिली थी तो मैं वो क्या करती है? वो भी बैंकिंग में ही है सब. अच्छा. हाँ आप भी बैंक में? हाँ जी गवर्नमेंट बैंक में हम. अच्छा, जब ये 500 के नोट बंद हुए थे. हाँ जी. आपका तो बहुत काम बढ़ गया होगा. हाँ जी बिल्कुल. दोनों मियां बीवी बैंकिंग में. वही तो एकदम. तो सासू माँ ने कहा नहीं बच्चे तो और लेट हो गए. अभी शादी को कितने साल हो गए? 2 साल हो गए हमारी. 2 साल हो गए. हाँ जी सर. तो कुछ हुआ? ऊपर वाले से दुआ करते हैं. अबे खट यार तुझे छोड़ यार. चलिए हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं आगे चल के कोई नोट ना बंद हो ताकि आपका अकाउंट खुले. शुक्रिया ब्रदर शो में आने के लिए. थैंक यू सो मच. और कोई मेरे दोस्त? जी मैम. हेलो कपिल सर. हेलो. सत श्रीकाल सिद्धू जी. सत श्रीकाल जी. सर मेरा इम्तिहान लाइफ का इतना बड़ा ये था, जैसे ही मेरी शादी हुई और मैं मुंबई पहुंची. हाँ जी. और मैं और मेरे हस्बैंड अकेले. और अकेले ही होते हैं मियां बीवी, और कौन होता.
मतलब ही इस पंजाबी बॉय वेरी फूडी और मैंने सुना था ही इज परफेक्ट इन मतलब कुकिंग और चॉपिंग एवरीथिंग. तो मैं कहा बाहर बैठिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए मैं दाल सब्जी फटाफट बना के लाती हूँ. बट जैसे ही मैं स्टार्ट करूँ वो किचन में मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैं थोड़ा अनियन चॉप कर देता हूँ. नहीं नहीं शादी में भूख खाने में कहाँ ध्यान होता है इतना. सर, सब होती है वो वैसे किचन में आपके चक्कर में आए होंगे. सर मतलब मुझे लग रहा है कैसे इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि दिल में प्यार जगा पाओ. इम्तिहान मेरा वही था लाइफ का. उनसे तो पूछ के देती उनके दिमाग में खाना होगा ही नहीं उस समय. मैं सीरियसली कह रहा हूँ. अच्छा ये नई नई शादी होती है पति किचन में भी आ जाते हैं. यही 10-12 साल निकला है बेडरूम में भी नहीं आते. हॉल में ही सो जाते हैं. तुम सो जाओ मैंने खाना खा लिया मैं थक गया अभी ठीक है. He loves me and my food. अगर वो ज्यादा फूडी है ना तो आप अपना नाम मिक्स वेज रख लो. बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. शुक्रिया शो में आने के लिए. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.